अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक डैट वी विल स्टार्ट टुडे इज़ द क्लासिफिकेशन। ठीक है, एंड द एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। हम देखेंगे कि हम ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, उसके क्या एम्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या प्रिंसिपल्स हैं, किन बेसिस पे हम लोग जो है क्या जो है फैक्टर्स हैं या क्या उसकी मेन रीज़न है कि हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे आपने टैक्सोनॉमी ब्रांच ऑलरेडी पढ़ी हुई है चैप्टर नंबर 1 में। टैक्सोनॉमी जो है वो ब्रांच होती है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, और उनको नेम्स देते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द टैक्सोनॉमी। और एंड द सिस्टमेटिक एंड अदर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इस जिसमें हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि उन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के साथ साथ उनका उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उनका जो 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 उनकी एवोल्यूशन वो वक्त के साथ साथ कैसे उनमें चेंज आया है। ठीक है, उनकी हिस्ट्री देखते हैं हम ऑर्गेनिज्म की कि उनके अबाउजदाद एंसेस्टर्स, ठीक है, एंसेस्टर्स का वर्ड यूज़ करते हैं अबाउजदाद के लिए, उनके उनके जो पेरेंट्स हैं उनके पीछे जो चेन चलती आ रही है, ठीक है, हम उसे भी पढ़ते हैं। और दिस इज़ कॉल्ड द सिस्टमैटिक। ठीक है, तो इसमें आप क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ पर, डिफाइन टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन। उसके बाद है मेन द मेन ऑब्जेक्टिव्स, द मेन एम्स ऑफ बोथ दीज ब्रांचेज आर, इन दोनों ब्रांचेज के एम्स क्या हैं। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या हैं दोनों ब्रांचेज के, तो उसमें आप लिखें देखेंगे टू डिटरमाइन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म। हम इसलिए क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को ताकि हम उनके दरमियान देख सकें कि क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं जो उनकी सेम हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो उनके अंदर डिफरेंट हैं। ठीक है, और उसके अलावा टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, और उनकी हम जो है वो हिस्ट्री देख सकें, उनकी जो चेन चलती आ रही है हम उसको देख सकें, उनके एवोल्यूशनरी टाइम के साथ साथ उनमें कैसे चेंज आया है। ठीक है, उस चीज़ को देख सकें कि उनके पेरेंट्स क्या सेम थे या डिफरेंट थे, उनकी कितनी आपस में करेक्टरिस्टिक्स मैच करती थी। समझ आ गया आपको? ठीक है, नेक्स्ट है आपके के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की मेन जो है वो बेस किस पे बेस कर रही है, तो क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म एंड सच रिलेशनशिप इज़ टू गेट थ्रू सिमिलैरिटीज इन करेक्टरिस्टिक। हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, और किस तरह से जो है वो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है और किस तरह से उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या करते हैं आपस में मैच करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक है जो है वो है टैक्सोनॉमिक हायरार्की, या थर्ड आपका टॉपिक है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो हायरार्की हम कहते हैं एक जो है एक चेन को, ठीक है, द ग्रुप इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड, वो ग्रुप्स जिनमें हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं उन्हें हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, हम उनकी कैटेगरीज बनाते हैं। ठीक है, और ये कैटेगरीज हैं इसे हम टैक्सा कहते हैं, लेकिन इसके साथ क्या होता है, ये टैक्सा जो होता है जिस तरह से हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, ये एक लेडर एक सीढ़ी टाइप एक चेन वाइज स्टेप वाइज जो है वो एक सीरीज बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो है वो आपके नेक्स्ट दिखाई गई है कि व्हाट इज़ द टैक्सोनॉमिक हायरार्की, किस तरह से हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले आता है फाइलम, ठीक है, फाइलम क्या है, अ फाइलम इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, एक जैसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं एक जैसी क्लास के उनको, ठीक है, रिलेटेड क्लासेस उनको उसे हम फाइलम कहते हैं। देन है क्लास, और क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, ऑर्डर इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, देन फैमिली के बाद जीनस एंड जीनस के बाद स्पीशी। एक स्पीशी जो होती है, स्पीशी कंसिस्ट ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, स्पीशी की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स डैट कैन इंटरब्रीड विद देम विद ईच अदर, ठीक है, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, जो आपस में इंटरब्रीडिंग का प्रोसेस कर सकते हैं, सेम जो है वो पॉपुलेशन के लोग पॉपुलेशन के होते हैं और आपस में इंटरब्रीडिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद है ये टेबल आपको दिखाया गया है 3.1, ठीक है, इसमें टैक्सोनॉमिक हायरार्की दी गई है टू ऑर्गेनिजम्स की, एक है ह्यूमन की टैक्सोनॉमिक हायरार्की दी गई है, और नंबर टू जो है वो पी प्लांट, एक प्लांट की हायरार्की दी गई है। ठीक है, ये टेबल इम्पॉर्टेंट है, आपने इन दोनों ऑर्गेनिजम्स की हायरार्की को क्या करना है, जो है वो याद करना है,
जैसे ह्यूमन है तो इसका किंगडम कौन सा है, एनिमिलिया, ये एनिमिलिया से बिलोंग करता है। फाइलम इसका है कॉर्डेटा, ठीक है। क्लास है इसकी मैमलिया, ऑर्डर है प्राइमेट्स, और फैमिली है होमिनिडिया, और जीनस है होमो, एंड स्पीशी है होमो सेपियंस, ठीक है। इस तरह पी प्लांट का है कि ये प्लांटी से जो है वो बिलोंग करता है, ठीक है। और आगे इसकी भी जो है वो सारी आपने टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो है वो प्रिपेयर करनी है। उसके बाद है स्पीशी। स्पीशी की डेफिनेशन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें भी स्पीशी की डेफिनेशन दी गई है इस पैराग्राफ में। स्पीशी इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। सबसे पहले हम स्पीशी वाइज जो है वो क्लासिफाई करते हैं। अ स्पीशी इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देम एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, जो आपस में इंटरब्रीडिंग का प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। आपस में इंटरब्रीडिंग का प्रोसेस कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस, अपने जैसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इस तरह हम स्पीशी को जो है वो स्पीशी की को क्लासिफाई करते हैं, और स्पीशी इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पे टैक्सोनॉमिक हायरार्की दी गई है ह्यूमन की, ठीक है। ये वाली ये सेम है जो 3.1 टेबल में ह्यूमन की हायरार्की दी गई है, इसे बस इसमें स्टेप वाइज जो है वो लेडर की फॉर्म में दिखाया गया है, ठीक है। आप लोगों ने अगर अपनी कॉपीज पे ड्रा करना है तो वो इसको लेडर की फॉर्म में इस तरह ड्रा करेंगे। उसके बाद है द इन द डेफिनेशन ऑफ स्पीशी वी मस्ट एम्फसाइज इन नेचर बिकॉज टू ऑर्गेनिजम्स रिलेटेड टू टू डिफरेंट बट क्लोजली रिलेटेड स्पीशी कैन क्रॉस ब्रीड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन। कहते हैं कि हमने स्पीशी देखा कि द सेम ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विच कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। लेकिन इसमें वो कह रहा है कि टू जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं रिलेटेड टू टू डिफरेंट स्पीशीज, दो डिफरेंट स्पीशीज जो हैं वो भी आपस में क्रॉस ब्रीड कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या होती हैं, आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियल सिलेक्शन उनकी होती है, आर्टिफिशियल जो है वो कंडीशंस होती हैं। इन सच अनयूजुअल क्रॉस, ये अमूमन ऐसा नहीं होता, लेकिन ये बाज़ू का जो है वो क्रॉस ब्रीडिंग उनके दरमियान हो जाती है, तो ये इसमें इनफर्टाइल, ये फर्टाइल नहीं होते, ये इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल जैसे कि एक अक्रॉस बिटवीन अ मेल डंकी, मेल डंकी के दरमियान अगर मेल डंकी एंड द फीमेल हॉर्स, इनके दरमियान अगर ब्रीडिंग का प्रोसेस होता है, इनके दरमियान अगर जो है वो ब्रीडिंग का प्रोसेस होगा, तो एक क्या प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस एन इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग जिसे हम म्यूल बोलेंगे, म्यूल हचर को कहते हैं हम, ठीक ठीक है। म्यूल जो है वो प्रोड्यूस होगा एंड दिस इज़ एन इनफर्टाइल म्यूल, मतलब कि ये जो है वो नेक्स्ट उसका जो ब्रीडिंग का प्रोसेस है वो नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। इसमें से जो आप लोगों के क्वेश्चंस में हैं, कॉपी वर्क आप लोगों को दिया है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को भेज रही हूँ, रिटर्न नोट्स में भेज दिया है। उसके अलावा जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने अपनी बुक पे भी नोट करने हैं और इस लेसन को प्रिपेयर करना है, ओके।